आपका क्वेश्चन है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। नाउ अंडरस्टैंड दिस। तो देखो इसने क्या बोला है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर लॉन है। तो आपका देखो कैसे होगा, लाइक दिस। ठीक है, और इसका डायमेंशन उसने कितना दिया है, देखो 50 मीटर इंटू 40 मीटर। तो ये आपका 50 मीटर हो गया और ये आपका हो गया 40 मीटर। तो लेंथ इज 50 मीटर एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। फिर आगे देखो उसने क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। रेक्टेंगुलर पॉन्ड है अभी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पॉन्ड हमारा यहां पर है, सपोज दिस इज योर रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द पॉन्ड। फिर क्या बोला है इसने आगे, सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी इतना। तो एरिया ऑफ द ग्रास दैट मीन्स दिस एरिया, जो आपका व्हाइट कलर का है, ये वाला एरिया में आपने क्या किया, ग्रास लगाया दिस, ठीक है। इसका एरिया इसने दिया है 1184 मीटर स्क्वायर। ये हम लिख देते हैं यहां पर, एरिया इज इक्वल टू 1184 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है ये पॉन्ड का एरिया। हाउ, क्या करेंगे हम, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस पॉन्ड विल गिव यू द ग्रास, है ना। तो बड़े वाले दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड गिव्स यू व्हाट, एरिया ऑफ ग्रास। ये आपका ग्रास है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होगा, दैट इज 50 इंटू 40। तो वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 40। तो कितना हो गया हमारा, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ पॉन्ड। तो लेकिन इसने क्या बोला है, देखो फिर से पढ़ना है हमको, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, इन द सेंटर दैट मीन्स क्या है, आपका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ऑल आर इक्वल, तभी वो सेंटर में आएगा, ठीक है। तो सपोज हमने इसको ले लिया एक्स, एक्स ले लिया, तो देखो आपका लेंथ कितना हो गया, अभी यहां से यहां तक 50 है, तो दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, तो कितना हो गया 2x। तो 50 माइनस 2x इज योर लेंथ ऑफ द पॉन्ड। तो अब हम लिख सकते हैं पॉन्ड का लेंथ, दैट इज 50 माइनस 2x, ठीक है। नेक्स्ट, और ब्रेथ का कितना हो जाएगा, देखो ये भी x है ये भी x है, तो 2x, तो 40 माइनस 2x, तो ब्रेथ इज 40 माइनस 2x। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 50 माइनस 2x और यहां पर है आपका 40 माइनस 2x, तो कितना हो गया ये 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द पॉन्ड। अब आपको ये वाली वैल्यू रेक्टेंगल की माइनस दिस वैल्यू गिव्स यू एरिया ऑफ द ग्रास दैट इज 1184, वो आपको करना है। तो देखो क्या आएगा आपका 2000 माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड, दैट मीन्स ये सबके साइन विल गेट चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस 2000, ये माइनस का प्लस 100x, माइनस का प्लस 80x, प्लस का माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1184। तो ये देखो 2000 माइनस 2000 कौन, तो यहां पर है माइनस 4x स्क्वायर, इसको हम इस साइड में लेकर आएंगे तो इट विल बिकम प्लस। तो देखो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 180x और ये प्लस रहेगा 1184, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये 4 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4545x प्लस 2 times फिर 38 दैट मीन्स 9 टाइम्स, फिर 24 दैट मीन्स आपका 6 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं 196 के और आपको बनाना है माइनस 45, तो देखो क्या आएगा, तो 296 के फैक्टर्स, तो 2148, 274, 237, तो ये हो गया 37 प्लस 8 इज 45। ठीक है, तो देखो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296, दैट गिव्स यू जीरो। तो फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x इज कॉमन, तो हमने ले लिया x माइनस 37। सेकेंड में माइनस 8 इज कॉमन, तो क्या हो गया x माइनस 37, दैट गिव्स यू जीरो। तो अब आपका देखो x की वैल्यू कैसे आएगी, x माइनस 37 दैट इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो x कितना हो गया हमारा, यहां पर हो गया 37 मीटर्स और यहां पर हो गया 8 मीटर्स। ठीक है, तो x इज 8 मीटर्स ये वाला, तो 8 प्लस 8 इज 16, तो आपका पॉन्ड का लेंथ कितना होगा, तो देखो टोटल इज 50 माइनस 2x, तो कितना आ रहा है देखो 50 माइनस 2 इंटू 8, तो 50 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 34 मीटर्स, तो ये आपका लेंथ आ गया। ब्रेथ देखो कितना है 40 माइनस 2x, दैट मीन्स 40 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू, देखो कितना हुआ 40 माइनस 16 कितना हो गया आपका 24, तो 24 मीटर, तो ये आपके दो आ गए लेंथ एंड ब्रेथ, वो आपका आया 8 मीटर से। अब आप इसको चेक करेंगे 37 मीटर से, तो देखो क्या आ रहा है
50 माइनस 2 इंटू 37 इज 74, दैट इज इक्वल टू माइनस 24 मीटर्स। तो यहां पर माइनस 24 आ रहा है, तो हमको मालूम है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारे माइनस में नहीं हो सकते, तो वी विल नेग्लेक्ट दिस। तो आपका एक्स इज दिस वैल्यू, तो आपका लेंथ कितना हो गया 34 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 24 मीटर्स। तो इसको आपको इस तरह से करना है।